मध्य प्रदेश के मंत्री और विधायकों में इन दिनों भागवत कथा कराने का दौर चल रहा है। जिस तेजी से सब अपने अपने इलाके में भागवत कथा और शिवपुराण करा रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि सब एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा ने अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में बागेश्वर महाराज का आयोजन करवाया। पहले 7 दिन की हनुमान कथा का आयोजन हुआ, जिसके लिए बागेश्वर महाराज दतिया पहुंचे और वहां उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हिंदुओं का बबर शेर और सनातन धर्म का योद्धा बता दिया। वहीं इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भी इंदौर में शिवपुराण करा रहे हैं। ये शिवपुराण पंडित प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं। इससे पहले गुना के सांसद केपी यादव ने भी शिवपुराण का आयोजन अशोकनगर में करवाया था। अब शिवराज सरकार के मंत्री कमल पटेल भी भागवत कथा कराने वाले हैं। इस कथा में कथावाचक जया किशोरी होंगी। इस भागवत कथा का आयोजन दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होगा। भागवत और शिवपुराण के इस सिलसिले से लगता है कि नेता सत्संग के बहाने ही वोटर से संपर्क बनाने के साथ साथ हिंदुत्व को भुनाने की कोशिश में नजर आ रहे हैं।